हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव के तो नतीजे आ गए, एनडीए में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास है, किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन इसी बीच केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से नीतीश को पीएम बनाने का ऑफर आया था, लेकिन नीतीश ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि हम एनडीए में रहें। केसी त्यागी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और किस परिस्थिति में वहाँ रह रहे हैं वो जानते हैं या मैं जानता हूँ, किस किस दर्द में वो रहते हैं और उनके वक्तव्य का क्या जनता दल यू कहेगी कि ये हमारे प्रधान जो सलाहकार हैं केसी त्यागी जी का वक्तव्य क्या ये जनता दल यू का वक्तव्य है, क्या इस बात को वो दावे के साथ कह सकते हैं? अगर कहेंगे तब ना मैं उसके बारे में कहूँगा। हमारे यहाँ किसी की डिमांड नहीं होती है कि आप आइए, लोग आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसमें वो आए थे लालू जी के घर पर और राबड़ी जी से क्षमा मांग करके करके फिर हम लोगों ने उदार दृष्टि से उनको सहयोग दिया था और उनको कहा था कि अब चलाइए। ये था, हम लोग कभी मांगते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं, जिनको आना है आए, स्वागत है, हमारी नीतियों में विश्वास करते हैं वो आए। अच्छा, क्या आप लोग तो बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन के, आप लोगों ने ऑफर किया क्या कि पीएम बन जाइए, इधर आ जाइए? तो कह रहा हूँ कि हम लोग बोलते नहीं है किसी को, आए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई एक आदमी कह देगा ऐसा नहीं है। ये लोग अपने से उंगली कटा कर करके शहीद बनने का स्वांग रचने का काम कर रहे हैं। ये तो पैर छू छू करके परेशान हैं, इनको तो पैर छूने से फुर्सत नहीं मिल रहा है इनके नेता को। पहले बढ़िया से पैर उड़ छू लें, प्रायश्चित कर लें, जो कहते थे कि भारत जलाओ पार्टी, जो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, उसका वो प्रायश्चित करने के लिए बार बार पैर पकड़ रहे हैं और पैर वो हटा दे रहे हैं, वो उसको प्रायश्चित भी नहीं करने दे रहे हैं। तो वो पहले अपना दिन दुनिया ठीक कर लें। कल तो देखा गया था कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश नीतीश ने किया। नहीं, कई बार आपने देखा और आप लोगों ने ही चलाया है। अब वो किस तरह के आदमी हैं, वो टाइगर हैं कि लोमरी हैं, ये तो जनता बताएगी। और सर, उधर लंबी चौड़ी डिमांड रखी जा रही है जेडीयू की तरफ से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन लोगों को उचित भागीदारी चाहिए, तो क्या बीजेपी वादा पूरा करेगी इनसे, क्या लगता है? किंग मेकर एक तरफ बनते हैं, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं आपकी ये सब डिमांड रख रहे हैं। कहीं कोई डिमांड नहीं होगा उनका, उनकी हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर के अपने डिमांड के लिए सीना चौड़ा कर करके मांगे। वो तो कुछ और मांग रहे होंगे, मुझे जहाँ तक जानकारी। क्या मांग रहे? अब मैं बोलूँगा नहीं, मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, मैं मित्रों की कुछ खुलासा कर दीजिए। मैं मित्रों की बात को नहीं खोल सकता हूँ, ये मेरी अपनी नैतिकता है। लेकिन बीजेपी जो है सर बहुमत से दूर है, भले एनडीए को बहुमत है, हर निर्दलीय प्रत्याशी छोटे दलों पर बीजेपी की नजर, क्या ये भी हो सकता है कि जेडीयू ज्यादा प्रेशर बनाएगी तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ भी सकती है, जेडीयू सांसदों को? क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनका तो इतिहास रहा है महाराष्ट्र से लेकर के और कई राज्यों का इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह उनका इतिहास रहा है। तो वो जो आदमी अपने स्वभाव का रहेगा, स्वभाव नहीं बदलता है, कहा गया है कि सिग्नेचर और करेक्टर वो नहीं बदलता। तो इनका करेक्टर है लोगों को तोड़ना, तो इनका जो करेक्टर है लोगों को तोड़ना, तो ये करेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या अभी तो इंडिया की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी शपथ भी कर ले लेंगे, लेकिन क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन कोई खेला करने की स्थिति में है? हम कोई खेला नहीं करने वाले हैं, हम जनता के बीच हैं, जनता के बीच जाएंगे और जिन वादों को उन्होंने कहा है उस वादों को पूरा कराने के लिए हम सड़क से सदन तक संघर्ष करें। हमारे पास भी संख्या है इंडिया गठबंधन का, अच्छी संख्या है। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है, शेयर बाजार के बारे में जो कहा है उसके बारे में पीयूष गोयल जी जिस तरह से पटाक्षेप करना चाह रहे हैं, उनको तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री प्राइवेट कंपनियों के शेयर बाजार का प्रवक्ता बन जाता है और उसके लिए लोगों से आग्रह करता है। एक आखिरी सवाल, क्या आप केसी त्यागी को चुनौती देंगे कि उस दल का खुलासा करें जिसने आप नीतीश को पीएम बनने का ऑफर दिया? केसी त्यागी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र, आज का नहीं,
मेरा लगभग 40-45 साल का मेरा संबंध है, मैं क्यों चुनौती दूंगा। लेकिन जो बात वो बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो दर्द में अपना सिया ठीक करने के लिए इस तरह की बात बिना किसी से राय लिए हुए वो कर रहे हैं। अगर राय लेकर के किए तो जनता दल यू के जो प्रवक्ता हैं उनको कहना चाहिए कि केसी त्यागी की बात के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए श्याम रजक, कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।